हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अरियन मैथ क्लासेस। माय नेम इज मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो क्लास 11th का फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं वो सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़, ये हम पढ़ रहे हैं। और सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़ के दो लेक्चर हम ले चुके हैं, ठीक। तो अगर आपको सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड देख सकते हो। ओके बच्चों, चलिए तो सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम इसके बेसिक पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, कुछ और टर्म्स। ओके चलो, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर, देखो सपोज करो ये क्वाड्रेटिक गिवन है, लेट क्यू 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 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, राइट, ए नॉट इक्वल टू जीरो। आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक टर्म्स और आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स स्टूडेंट कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट, जिसको आप डी से डिनोट करते हो, और डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक। सो डिस्क्रिमिनेट डी, ये वैल्यू आपने लिया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके बच्चों, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या डिसाइड करता है? नेचर ऑफ रूट्स। ओके चलो, अब देखो डी के बेसिस पर हम इसके क्या क्या रूट्स लिख सकते हैं, ध्यान देना। इफ़ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी पॉजिटिव है, ओके बच्चों, अगर डी पॉजिटिव है सो क्या आपको मिलता था? टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, याद है? अगर डी पॉजिटिव होता है, सपोज़ करो अगर आप लोगों ने डी को कैलकुलेट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो क्वाड्रेटिक आपको देगा वो ट्रू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा, ठीक। चलो सेकेंड, इफ़ अगर डी को हमने ज़ीरो ले लिया तो क्या मिलेगा आपको? टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके चलो, थर्ड, इफ़ डी लेस दैन जीरो, ओके बच्चों, अगर डी लेस दैन जीरो यानी नेगेटिव हो गया, तो इस केस में देखो आपको क्या मिलेगा? इस केस में मिलेगा नो रियल रूट्स, रियल रूट्स, दैट मीन आपको जो मिलता है वह है कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन आपने 10th में पढ़ी हुई थी, ठीक, ये तो आप जानते हो। अब फोर्थ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्वाड्रेटिक का जब हम अलग से लेक्चर लेंगे तो उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये तीनों तो आप 10th में आपने पढ़ा हुआ है, अगर डी पॉजिटिव है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी ज़ीरो है टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी अगर नेगेटिव है सो नो रियल रूट्स। ओके अब ध्यान दो इसको, देखो इफ़ अगर ए हमने पॉजिटिव ले लिया, ए मीन्स क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एंड डी डी इज़ अ नेगेटिव, ओके, इफ ए इज अ पॉजिटिव एंड डी इज अ नेगेटिव, देन क्वाड्रेटिक क्यू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर एक रियल वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर इतना जान लो, बस हो गया। क्वाड्रेटिक का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको देखेंगे ये पॉजिटिव क्यों होता है इस कंडीशन पर। तो ए अगर पॉजिटिव हुआ यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और डी अगर नेगेटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक। फोर्थ, तो फिफ्थ, इफ ए नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव हो गया एंड डी बी नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव, देन क्वाड्रेटिक क्यू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये बच्चों क्या होगा? लेस देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स के हर एक रियल वैल्यूज के लिए ये क्या होगा? नेगेटिव,
ओके। तो ये दोनों कंडीशन इनइक्वालिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको ये दोनों कंडीशन याद होना चाहिए, समझ में आना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सको। ओके, अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, और ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव। ओके बच्चों, ये कंडीशन होती है। अब चलो इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं जिसको देखते हैं, ठीक। चलो तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इसे। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व द इनइक्वलिटी। देखो जैसे सपोज करो, अगर क्वेश्चन ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। देखो ऐसा, ठीक है बच्चों, ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ये आपको गिवन है। चलो तो पहले देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक। तो पहले क्या करो, देखो चेक करो, ठीक, कंडीशन चेक करना फोर्थ और फिफ्थ, राइट। अब देखो इसमें कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है आपका, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन, ओके बच्चों, तो ये क्या है पॉजिटिव, वन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा बी क्या है आपका, बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका वन, और कांस्टेंट टर्म सी, सी क्या है आपका वन, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन, ठीक। अब इसमें डी निकालो, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो देखो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, वन इंटू वन दैट इज़ अ वन, सो माइनस थ्री, और माइनस थ्री क्या होता है नेगेटिव, राइट। अब देखो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स के हर एक रियल वैल्यूज के लिए ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलो इसको भी चेक करो, ठीक, इसको भी चेक करके देखते हैं। चलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज़ अ वन, ए क्या है वन, एक्स का कोएफिशिएंट बी इज़ अ माइनस टू, एंड कांस्टेंट टर्म सी इज़ अ थ्री, राइट। अब इसमें डी फाइंड आउट करो, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। तो बी, बी की वैल्यू माइनस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, फोर माइनस ट्वेल्व दैट इज़ अ माइनस एट। देखो ये क्या है नेगेटिव, तो माइनस एट बच्चों क्या है नेगेटिव, ठीक। तो ए पॉजिटिव, देखो ए क्या है, ए इज़ वन, वन इज़ अ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज अ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स की हर एक रियल वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करो तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। x की कोई वैल्यू पुट कर दो आप, एनी रियल वैल्यूज, ठीक है, x की आप कोई वैल्यू पुट करो, ये क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दैट मीन ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। ओके, सो दैट मीन इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा x belong r means all real number, all real number के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। ऐसा या आप ऐसा भी लिख सकते हो, all real number को हम कैसे लेते हैं, इंटरवल के फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल वैल्यूज इसमें पुट करो, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक। सो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज अ सोल्यूशन, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ओके बच्चों। चलो तो नेक्स्ट
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखो मैथ में क्या है ना कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर कॉपी किताब लेकर रख दिया, ठीक है, और अलमारी में सजा कर रख दिया, तो फिर मैथ आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्या होता है जब एग्ज़ाम में आप सॉल्व करने जाते हो तो प्रैक्टिस आपकी नहीं रहती, क्वेश्चन आपको फंस जाता है वहाँ पर। ओके, तो आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अब जैसे मान लो अगर हमने अगेन किया सॉल्व द इनइक्वलिटी, सॉल्व द इनइक्वलिटी, ठीक। अच्छा इसको तो मिटाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसको तो हमेशा लिखे रहना चाहिए क्योंकि अभी तो हम इनइक्वलिटी कर रहे हैं, तो बार बार लिखने का क्या मतलब है, ठीक। ऐसे सॉल्व द इनइक्वलिटी, चलो मान लो क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन राइट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। देखो ऐसा, अब ये हमें चेक करना है लेस देन जीरो, इस तरह, ठीक। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है एक्स के किस इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको चेक करना है। ओके चलो, तो पहले देखो क्वाड्रेटिक जब भी आता है ना तो इसका डी जरूर निकाल के चेक करो क्या मिल रहा है ये, राइट। चलो तो देखते हैं यहाँ से। देखो इसमें अगर लो ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, ओके, बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री एंड सी इज अ फोर, क्लियर। ओके अब डी निकालो, डी इज अ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज अ माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज अ नाइन माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है फोर, ठीक, सिक्सटीन दैट इज अ माइनस सेवन लेस देन जीरो, ठीक। सो देखो ए आपका वन है, वन मीन्स पॉजिटिव, और डी माइनस सेवन दैट इज़ द नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर एक रियल वैल्यूज की ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इसकी बात करते हैं, ठीक। इसमें भी चेक करो ए की वैल्यू वन, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी माइनस फाइव एक्स का कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट टर्म्स सी इज इक्वल टू फोर, ठीक। अच्छा डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू माइनस फाइव होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू फोर, देखो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन दैट इज़ अ नाइन, और नाइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, नाइन इज़ अ पॉजिटिव। सो देखो अब इसमें क्या है, डी पॉजिटिव, अब मैंने आपको बताया था और आप जानते भी होंगे अगर डी पॉजिटिव है तो क्या मिलता है आपको, टू रियल एंड डिस्टिंग रूट्स, ओके। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है या तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो तो दो डिस्टिंग और रियल रूट्स मिल जाएगा, या क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज कर लो, राइट ना। अच्छा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद है ना, रूट्स निकालने का क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है सर। तो जब फैक्टराइजेशन से आप इसे सॉल्व ना कर पाओ तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये टर्म क्या है, ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, और ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सो दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन, चलो इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन, ठीक, लेस देन जीरो। अच्छा इतना तो कर लोगे ना, ठीक। अब देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तो इस पूरे क्वांटिटी को देखो, इस पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव या नेगेटिव कौन बनाएगा, ये बनाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और मैंने क्या कहा था, जो टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव हो उसे क्या करो, उसे इग्नोर कर दो और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसे सॉल्व कर लो, ठीक। तो अगर हम इसे नेगेटिव कर दें तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, इसे अगर हम पॉजिटिव कर दें तो पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। सो एक्स माइनस फोर
एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक्स की कुछ कोई भी वैल्यू पुट करो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पूरे टर्म को देखो, इस पूरे टर्म को पॉजिटिव और नेगेटिव कौन बनाएगा? ये, इसको अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर आपने इसे नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव बन गया, राइट। तो ये नेगेटिव कब बनेगा? जब इसे हम नेगेटिव कर देंगे, राइट। तो x माइनस फोर एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, अब ध्यान देना। अब इसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था, अगर दो फैक्टर दिए हैं और लेस देन जीरो दिए तो कैसे करते हैं? देखो x माइनस वन, इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी वन। x माइनस फोर, इसको जीरो करोगे x की वैल्यू फोर मिल जाएगी, ठीक। तो मैंने कैसे बताया था? लोएस्ट लोएस्ट फैक्टर यहाँ रखो, ग्रेटेस्ट फैक्टर यहाँ रखो, अब बीच में वेरिएबल ले लो, ठीक। और x ग्रेटर देन वन एंड x स्मॉलर देन फोर, ऐसा, ठीक। जब भी दो फैक्टर आपको गिवेन हो, x माइनस फोर एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, तो लोएस्ट फैक्टर को यहाँ रखो और ग्रेटेस्ट फैक्टर को यहाँ रखो, और बीच में वेरिएबल x ग्रेटर देन वन एंड लेस देन फोर, ओके। सो ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। और इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो x बिलोंग वन टू फोर, देखो ये, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल वन टू फोर। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, दिस। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, देखो ऐसा गिवन है, यस सर, ठीक। ये आपको सॉल्व करना है। चलो एक काम कर दो, इसको चेंज करो, यहाँ पर वन रख लो, ऐसा, ठीक। अब सॉल्व करना है इसको, अब ध्यान दो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा याद है कैसे करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? वेरिएबल्स, ठीक। तो मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इसको वन से मल्टीप्लाई मत करना। कैसे करना है? वन को इस साइड में ले आओ, फिर सॉल्व करो, ओके। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, चलो वन को इस साइड में ले आओ, माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ऐसा, ठीक। अब क्या करो, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, दिस, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फिर माइनस, चलो माइनस इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस सिक्स एक्स, ओके स्टूडेंट, फिर प्लस और माइनस, माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस, ओके। अब सॉल्व करो, दिस कैंसिल आउट, अच्छा सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स दैट इज़ अ एक्स, एंड सिक्स माइनस फाइव इज अ प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ऐसा, ठीक। अब देखो समझ में आ रहा है, अगर इसका डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसका डी कितना मिलेगा? 36 माइनस फोर इंटू फाइव, ठीक है, 36 माइनस ट्वेंटी दैट इज़ अ 60। तो डी इसका पॉजिटिव आ रहा है, अगर डी इसका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, तो दो रूट्स पॉसिबल हैं, दैट मीन इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलो तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन, ठीक, अच्छा इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है ना, इसको ऐसे लिख लो, दिस, ठीक। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस फाइव माइनस वन एक्स माइनस फाइव, अगेन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन, ओके बच्चों। तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन, सो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन इज अ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इस तरह। अब आपको क्या बताया था? देखो
ध्यान देना, पहले तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स नॉट इक्वल टू फाइव एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वन, तो रियल लाइन लो, रियल लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा अब रियल लाइन पर नंबर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स प्लस वन का फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस वन को जीरो करो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, देखो एक्स इक्वल टू माइनस वन ऐसा, ओके इस तरह। चलो नेक्स्ट एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव को जीरो करोगे तो एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइव, और एक्स माइनस वन को जीरो करोगे एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वन, सो देखो यहाँ पर वन एक्स माइनस वन का फैक्टर, एक्स माइनस फाइव इसका फैक्टर फाइव ऐसा, ठीक। अब इस पर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन कितने हैं आपके पास, थ्री, वन टू थ्री, ठीक। और रियल लाइन पर टोटल नंबर्स अगर आपके पास थ्री यानी ऑड हैं तो हम माइनस स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। और अगर इवन होते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, प्लस से, ठीक। सो यहाँ पर थ्री नंबर्स हैं, दैट मीन थ्री मीन्स ऑड, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस दिस, ठीक। अच्छा साइन कहाँ से चूज करोगे कि प्लस चूज करना है या माइनस, वो यहाँ से डिसाइड करो, अगर ग्रेटर देन जीरो दिया है तो प्लस चूज करो, अगर लेस देन जीरो दिया है तो माइनस, ठीक। तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो दिया है तो प्लस चूज कर दो, देखो ऐसा, ओके राइट। अब चलो यहाँ से लेते हैं दिस, ठीक है। अब ध्यान देना प्लस कहाँ से मिल रहा है आपको, माइनस वन टू वन, देखो ऐसा, ठीक, और फाइव टू इन्फिनिटी, देखो ये इंटरवल मिल रहा है आपको, माइनस वन टू वन और फाइव टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा इन इक्वलिटीज के फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे, माइनस वन और वन ऐसे लिया, एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस वन से वन, ठीक, तब आपको ये क्या देगा, पॉजिटिव, और एक्स अगर फाइव से इन्फिनिटी के बीच में होगा तब अगेन आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो दैट मीन दो सोल्यूशन मिल रहा है, माइनस वन टू वन और फाइव टू इन्फिनिटी, ठीक। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो माइनस वन और वन ये लिख लिया, बीच में वेरिएबल एक्स, और इसे लिखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, लेस देन आर इक्वल टू वन, ठीक। और सेकेंड सोल्यूशन क्या है, एक्स फाइव से इन्फिनिटी के बीच में, तो दैट मीन देखो ये ऐसा लिखो यहाँ से, फाइव से ग्रेटर, देखो फाइव से ग्रेटर राइट साइड में जा रहा हूँ ना, फाइव से ग्रेटर, सो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव, क्लियर, देख लो समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आओ, एक्स नॉट इक्वल टू फाइव है और एक्स नॉट इक्वल टू वन, तो फाइव पर इक्वल टू हटा दो, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू फाइव है, और वन वन को भी पर भी इक्वल टू हटा दो, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम वन से लेस ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट वन नहीं ले सकते, एग्जैक्ट वन करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी यहाँ से हटा दो। और यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू हम फाइव से ग्रेटर ले सकते हैं, बट इक्वल टू फाइव नहीं ले सकते, इक्वल टू फाइव लेंगे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपका सोल्यूशन हो गया। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग, ठीक, इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है, ठीक, कैसे कर रहा है देखो, माइनस वन टू वन, तो माइनस वन को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो माइनस वन प्लस ओपन सॉरी क्लोज, और वन पर ओपन, राइट, यूनियन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, फाइव टू इन्फिनिटी, अब फाइव पे क्या है, ओपन इन्फिनिटी, देखो ऐसा, राइट। तो ये आपका इंटरवल के फॉर्म में आंसर आ गया, ओके बच्चों, तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, राइट। तो क्लास इलेवंथ, क्लास इलेवंथ के लिए डोमेन रेंज के लिए जितने इनइक्वालिटीज हमें पढ़ना था वो हमने यहाँ पढ़ लिया है, ठीक। तो अब आपको डोमेन रेंज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अब वापस आते हैं फंक्शन पर, ठीक, अगर आपको फंक्शन पर कोई डाउट है तो फंक्शन का फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक। चलिए तो हम लेते हैं यहाँ पर, चलो एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर, देखो रियल वैल्यूएड फंक्शन, रियल वैल्यूएड फंक्शन, फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं बट रियल वैल्यूएड फंक्शन ये क्या होता है, ठीक, रियल वैल्यूएड फंक्शन।
देखो कैसा होता है, जैसा नेम है रियल वैल्यूड फंक्शन, इस रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होगा कि आपका जो डोमेन है और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो मान लो एक फंक्शन हमने ले लिया लेट एफ सच दैट ए टू बी, सॉरी ओके स्टूडेंट, एफ सच दैट ए टू बी, ये आपको फंक्शन है। देखो एफ सच दैट ए टू बी इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आपको गिवन है। राइट, अब बच्चे यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या होता है आपका डोमेन, दिस इज द डोमेन। जब भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, तो ए क्या है आपका डोमेन और बी क्या है आपका कोडोमेन। ठीक, लेट एफ सच दैट ए टू बी इज द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन फंक्शन इफ डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन एंड कोडोमेन, ठीक, डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर, देखो डोमेन और कोडोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक, सो दैट मीन देखो डोमेन क्या होना चाहिए आपका, सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट, एंड कोडोमेन भी आपका क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। ओके बच्चों, तो सिंपल सी चीज़ है, राइट, अगर आप ले रहे हो एफ सच दैट ए टू बी तो आपका डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और कोडोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो अगर फंक्शन को वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो, ठीक, तो एक्स किसको शो करता है, डोमेन को, और वाई किसको शो करता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लेते हो ये आपको शो करता है इसके करस्पॉन्डिंग रेंज को, ठीक है, ये डोमेन को शो करता है और ये कोडोमेन को, ठीक, ओके, तो ये क्या होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों क्या बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से, एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक है, रियल वैल्यूड फंक्शन तब होता है जब डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अगेन, तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर डोमेन, तो बच्चों अगर हम डोमेन को डिफाइन करें, डोमेन क्या होता है बच्चों, अगर मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, ये मान लो एक फंक्शन दिया है, ओके, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर फंक्शन दिया है आपको वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक, तो डोमेन इज द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन क्या है आपका, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड, ये क्या होना चाहिए आपका, डिफाइंड होना चाहिए। ओके बच्चों, ऐसा तो अगर आप x की कोई भी रियल वैल्यूज पुट कर रहे हो तो y
वाई आपको एक डिफाइंड वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। एक्स की कोई वैल्यू अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वाई एक डिफाइंड वैल्यू देना चाहिए, ठीक। नॉन डिफाइंड वैल्यू नहीं देना चाहिए, जैसे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, नॉन डिफाइंड वैल्यू है, ओके। तो ये आपका डोमेन होता है, तो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए, ओके। ऐसा जैसे एग्जांपल समझो, देखो जैसे अगर मान लो एक फंक्शन हमने ले लिया वाई इक्वल टू वन अपॉन, चलो ऐसे ले लो मान लो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देखो ऐसे सिंपल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक। सो देखो एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज पुट करो, आपको वाई एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, एक डिफाइंड वैल्यू देगा। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू आपने टू रखा, तो टू टू माइनस वन, देखो तो वाई की वैल्यू टू मिल गई। एक्स की वैल्यू आपने जीरो रखा तो क्या मिल गया, वाई इक्वल टू जीरो, जीरो पे एक, ठीक है, डिफाइंड वैल्यू है। तो एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे वाई एक आपको डिफाइंड वैल्यू देगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू वन। अगर एक्स इक्वल टू वन आपने पुट कर दिया, देखो तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता है नॉन डिफाइंड नंबर, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक, वाई इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो अगर एक्स इक्वल टू वन आपने पुट किया तो वाई डिफाइंड नहीं होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, डोमेन में वो सारी वैल्यूज लेना है जिसके लिए वाई डिफाइंड हो रहा है, और उस सारी वैल्यू को डिस्कार्ड करना है जिसके लिए वाई डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक। तो बच्चों अगर इसका डोमेन हम लिखना चाहें, डोमेन मीन्स ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक, ओके। एक्स, एक्स आपको क्या देता है, डोमेन, और वाई क्या देता है, आपको रेंज, एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मिलती है दैट इज़ द रेंज। तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन में आपको ऑल रियल वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए वाई डिफाइंड है एक्सेप्ट वन। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ऑल रियल वैल्यूज, ठीक, इसमें माइनस कर दे रहे हैं वन, देखो ऐसा, ठीक, ऑल रियल वैल्यूज में हमने वन को माइनस कर दिया, जिस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं हो रहा है उस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, ओके। ये आपका हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ओके बच्चों, ठीक। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर रूल्स, रूल्स फॉर डोमेन, ओके बच्चों, रूल्स फॉर डोमेन, डोमेन के रूल क्या है। चलो फर्स्ट रूल देखो, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर दो फंक्शन आपको गिवेन है एफ एक्स प्लस माइनस जी वन, ये दोनों फंक्शन प्लस में या माइनस में गिवेन है, तो अगर आप इनका डोमेन निकालते हो तो डोमेन इनका क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, इनका कंबाइंड डोमेन क्या हो जाएगा, इनका इंडिविजुअल डोमेन आप निकालो उसका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। जैसे मान लो दो फंक्शन दिए हैं आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक, इनका कंबाइंड डोमेन आप निकाल रहे हो, ठीक, तो वो कैसे निकालोगे आप, एफ एक्स का आप डोमेन निकाल लो और फिर जी एक्स का डोमेन, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, राइट, ऐसा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड डोमेन, अच्छा डोमेन ऑफ, अगर मान लो हमने ले लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखो ऐसा एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, सो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, ओके बच्चों, सेम डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। थर्ड, अगर आपने ले लिया डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, राइट, सो क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन एक्स सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, एक्स की वो सारी वैल्यूज आपको कॉमन इंटरसेक्शन में लेना है जिसके लिए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, और वो वैल्यूज को कंसीडर करना है जहाँ पर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ऐसा। एंड डोमेन, अच्छा देखो डोमेन ऑफ, अगर हम ऐसा ले लें अंडर रूट एफ एक्स,
देखो ऐसा, डोमेन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स, तो ये क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ऐसा ओके okay. ये डोमेन ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये राइट ये आपको फाइंड आउट करना है. तो वो सारी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स आपका क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, राइट ये तो आई थिंक इतना एनफ है आपके लिए, राइट. अभी हमने लॉग की बात नहीं की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात नहीं की, तो इतना रूल ठीक है क्लास 11th के डोमेन के लिए एनफ है. ठीक चलो तो अब इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करना है. ओके बच्चों डैट्स, तो इसको नोट करो फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके चलो तो देखो. अच्छा फाइंडिंग द डोमेन, ठीक फाइंडिंग द डोमेन. ओके बच्चों देखो अगर मान लो हम यहाँ पर ले ले टाइप वन, ठीक टाइप वन, तो टाइप वन में देखो बच्चों कैसा होगा y इक्वल टू, ठीक y इक्वल टू इस तरह. अब मान लो यहाँ पर फंक्शन आपको ऐसा दिया है एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस फॉर्म में, ऐसा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है इस टाइप का. ओके अब आप देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है y, ये डिफाइंड कब होगा, y इज़ द डिफाइंड डिफाइंड इफ इफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ये वाई वाई आपका डिफाइंड कहाँ होगा, जहाँ पर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ध्यान देना जहाँ पर जी एक्स जीरो हो जाएगा एक्स के उस वैल्यूज के लिए वाई डिफाइंड नहीं होगा. तो आपको करना क्या है, देखो करना क्या है आपको जी एक्स को जीरो करना है, जी एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आती है उसको और रियल नंबर में से सबट्रैक्ट कर देना है. ओके ऐसा करना है. तो जब भी फंक्शन आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है ठीक है, तो आपको करना क्या है डिनोमिनेटर को ज़ीरो करो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लो, उसको और रियल नंबर में से सेपरेट कर दो, दैट इज़ द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. ओके क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक ओके. देखो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं ठीक है, एग्जांपल ले लिया मान लो वाई इक्वल टू, ओके देखो जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक्स प्लस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स, देखो ऐसा है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है. तो मैंने कैसे बताया यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है थ्री माइनस एक्स को ज़ीरो करो, एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई थ्री, ठीक. अब x इक्वल टू थ्री पर ये फंक्शन क्या डिफाइंड नहीं है, देखो पुट करके क्या मिल जाएगा फाइव अपॉन जीरो, अब फाइव अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, राइट. तो x इक्वल टू थ्री पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है बट x इक्वल टू थ्री पर डिफाइंड नहीं है. तो बच्चों डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा x बिलोंग ऑल रियल नंबर माइनस थ्री, ऑल रियल नंबर में से थ्री को सेपरेट कर दो, दैट इज़ अ डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन ये हो जाएगा, ठीक. तो टाइप फर्स्ट में क्या करना है, जब भी आपको फंक्शन ऐसा दिया हो ठीक ओके ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स. अच्छा एक बात और समझना, यहाँ पे एफ एक्स जो है एफ एक्स एंड जी एक्स ये आपको क्या होगा आर पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, पॉलीनोमियल ठीक है पॉलीनोमियल, सब पॉलीनोमियल का फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, 9 से आप पढ़ते आ रहे हो पॉलीनोमियल, ठीक है ना ओके. जैसे आपका कौन सा हो गया लीनियर, हो गया लीनियर एक पॉलीनोमियल फंक्शन होता है,
क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये सारे क्या हैं पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक, तो ये कब वैलिड है, जब एफ एक्स और जी एक्स क्या होगा आपका पॉलीनोमियल होगा, राइट। ऐसा चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक। वैसे देखो, वैसे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी फंक्शन आ जाए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ साइन भी आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक, तो साइन की जिस वैल्यू के लिए, साइन मान लो एक्स है तो एक्स की जिस वैल्यू के लिए साइन जीरो हो जाएगा उसको क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड कर दोगे, उसको डिनोमिनेटर, ठीक है, नहीं लोगे। ओके, तो ऐसा करना है, तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आएगा तो हमेशा डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, y इक्वल टू क्या करना है आपको, फाइंड, ध्यान रखना फाइंड करना है डोमेन, फाइंड द डोमेन। ठीक, चलो जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो ऐसा, ठीक, क्वेश्चन नंबर टू ले लिया y इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है सर। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ले लिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर फोर ले लिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ऐसा। ओके बच्चा, ये सब में देखो कॉन्सेप्ट सही वही है, क्या करना है देखो, डिनोमिनेटर को जीरो करो। चलो फर्स्ट में करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको जीरो करूँ, ठीक। अच्छा, इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, क्लियर। चलो x कॉमन ले लो, सो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, सो x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ओके, ऐसा। सो देखो मैंने क्या कहा था, पहले डिनोमिनेटर को जीरो करो, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो और क्या करो, उसे और रियल नंबर में से सेपरेट कर दो। ओके बच्चों, तो देखो फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसको भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना, ठीक। हाँ, अच्छा, ये तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो डी अगर देखोगे तो 9 माइनस 16 डी नेगेटिव आ रहा है, राइट। ओके, तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, अभी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है। तो पहला देखो, फर्स्ट में डोमेन हो जाएगा, डोमेन एक्स बिलोंग ऑल रियल नंबर, इसमें से इसको सेपरेट कर दो 1, 2, दिस इज द फर्स्ट का डोमेन ये हो जाएगा। ओके बच्चो, चलो सेकेंड का बताओ, सेकेंड में क्या करोगे, सेम वही करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको जीरो करो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 इजक्ल टू जीरो, सो x इजक्ल टू 2 एंड 3, देखो राइट। चलो सेकेंड का डोमेन लिखो, डोमेन x बिलोंग ऑल रियल नंबर, उसमें क्या करो, इसको सेपरेट कर दो 2, 3, देखो वेरी सिंपल, राइट। ऐसा चलो थर्ड में क्या है, थर्ड में डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ठीक, सॉरी इसको जीरो करो, तो x इजक्ल टू 3/2, ऐसे। चलो डोमेन लिखो यहाँ से, डोमेन x बिलोंग ऑल रियल नंबर, इसमें सेपरेट कर दो 3/2, देखो ये ऑल रियल नंबर माइनस 3/2, राइट। तो ये हो जाएगा थर्ड का, ठीक। चलो फोर्थ का बताओ, फोर्थ में क्या है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजक्ल टू 0, सो एक्स इजक्ल टू प्लस माइनस 2, क्लियर है ना। 4 को उधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, एक्स इजक्ल टू प्लस माइनस 2, तो डोमेन क्या हो जाएगा फोर्थ में, डोमेन एक्स बिलोंग डोमेन एक्स, ठीक, ऑल रियल नंबर में से ये वैल्यू सेपरेट कर दो, देखो आर माइनस प्लस माइनस 2, देखो ऐसा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका इस तरह। ओके, तो
अगर कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करो, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू लो और ऑल रियल नंबर में से उसे सेपरेट कर दो, ठीक। ये आपका हो जाएगा डोमेन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। चलो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो चलो बताओ, चलो बच्चों आप हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंड टाइप, टाइप सेकेंड, ठीक। अच्छा देखो, वैसे डोमेन रेंज जो है, ठीक है, अगर हम पूरा फंक्शन पढ़ लेंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, तो ये सारे फंक्शन पे अप्लाई होता है, कई वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट अभी क्लास इलेवेंथ में हम लिमिटेड ले रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो क्लास इलेवंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, जैसा उसमें सिलेबस है। बाकी ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ का सिलेबस आप देखोगे फंक्शन का, तो उसमें आपको सब पढ़ना पड़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जितने टाइप्स के फंक्शन हैं सब पर आपको डोमेन रेंज सॉल्व करना होगा, ओके। चलो तो यहाँ पर लेते हैं। अब टाइप टू देखो इसमें कैसा होता है। अगर फंक्शन आपको ऐसा गिवेन है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स इसमें, ओके। तो देखो ये जो होता है ना रूट में, ये डिफाइंड कब होता है, ओके, वाई इज डिफाइंड इफ एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। वाई इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, अब एफ एक्स आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये डिफाइन कब होगा, जब एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक, ओके, ऐसा। या इसको देखो ऐसे लिखो, वाई इक्वल टू डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक। एक्स की वो सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, फॉर रियल वैल्यूज के लिए, यानी एक्स की वैल्यू रियल देने पर वाई की वैल्यू भी रियल मिलना चाहिए, ठीक। अच्छा देखो, अगर मान लो एक्स की हम कोई वैल्यू ऐसा पुट करें कि ये फंक्शन निगेटिव दे दें, तो देखो रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, वाई आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। देखो जैसे वाई की अगर आपने ऐसे लिया, वाई इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर आ गया, ठीक। अब जानते हो रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो दैट इज़ द रियल नंबर, ठीक है। और अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ गई तो ये क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो रूट के अंदर देखो, जैसे रूट के अंदर हमने वन ले लिया, रूट के अंदर टू ले लिया, रूट के अंदर 1.5 ले लिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी रियल नंबर हैं, ठीक। लेकिन रूट के अंदर अगर हमने निगेटिव ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी एक्स रियल तो वाई भी रियल होना चाहिए। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर एफ एक्स निगेटिव आ गया तो वाई क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर y डिफाइंड कब होगा, ठीक, इफ़ एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो सिंपल करना क्या है, जब भी रूट आता है तो फंक्शन को क्या करो, ग्रेटर दैन r इक्वल टू जीरो करो और इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक। दैट इज़ द डोमेन, वो आपका डोमेन हो जाएगा, ओके बच्चों। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड द डोमेन, ठीक। चलो मान लो क्वेश्चन हमने लिया वाई इक्वल टू अंडर रूट, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स माइनस वन ऐसा, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो रूट के अंदर क्या है, एक्स माइनस वन, तो ये फंक्शन पॉजिटिव, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, व्हेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ऐसा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तब ये डिफाइंड होगा। चलो इसको सॉल्व करो, सो दैट मीन एक्स वन को इस साइड में ले जाओ, देखो ऐसे, ओके। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन लोगे तब वाई क्या होगा, आपका रियल वैल्यू मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू आपने वन से लेस ले लिया, देखो ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तो वाई इमेजिनरी हो जाएगा, राइट ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होगा बच्चों, डोमेन एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, देखो इंटरवल के फॉर्म में,
ये भी आंसर चाहिए आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में और इंटरवल के फॉर्म में है सब। देखो वन से है ना, वन से इन्फिनिटी तक जा रहे हो, वन टू थ्री फोर ऐसे, वन से ग्रेटर, तो वन से ग्रेटर ऑल वैल्यूज कंसिडर करोगे ठीक, और इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, वन टू इन्फिनिटी दिस इज द डोमेन। ओके चलो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड द डोमेन। देखो जैसे मान लो y इक्वल टू, हमने ऐसे ले लिया अंडर रूट, देखो x माइनस फोर, देखो ऐसा। अब देखो स्क्वायर रूट कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, ध्यान देना। अब स्क्वायर है, रूट है डिनोमिनेटर में, तो ये y कब डिफाइन होगा, जब ये क्वांटिटी क्या होगा पॉजिटिव, तो दैट मीन देखो यहाँ लिखेंगे x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ऐसा ठीक है। तो रूट के अंदर फंक्शन क्या है, x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ठीक ऐसा। अब बताओ ये सही है, तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर ये ओके। तो y कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस फोर क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर ओके। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, अच्छा बताओ इसमें कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है सोच के बताओ क्या होगा। वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फोर ठीक, ये फंक्शन डिफाइंड कब है, जब x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ गलत ठीक है, मिस्टेक है, एक माइनर सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यस पकड़ लिया। देखो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए राइट ओके। तो x की वैल्यू अगर आप 4 ले लेते हो तो देखो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और आपने यहाँ क्या लिखा है x ग्रेटर देन r इक्वल टू जीरो, x वैल्यू 4 से ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल टू आपको हटाना होगा, तब ये फंक्शन डिफाइंड है ठीक है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो क्या लिखोगे, x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो दैट मीन x ग्रेटर देन 4 ठीक। तो इसका डोमेन, तो बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिट, इनफाइनाइट 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल है। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखो फाइंड द डोमेन। चलो y इज इक्वल टू, अब ध्यान दो क्वेश्चन कैसे लेते हैं, अब मान लो क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ओके तो सॉल्व हो गया, देखो y इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये ठीक है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव ठीक। अब डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू नहीं लगाना ठीक, अंडर रूट में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ओके चलो। अब मैंने कहा क्या कहा था इनइक्वालिटी में, जब भी माइनस हो तो उसे प्लस बना लेना, कैसे माइनस से मल्टीप्लाई करके, चलो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये माइनस फोर हो गया और ये प्लस एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज द लेस देन जीरो ऐसा ठीक। अब इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी दिस ठीक। अब देखो मैंने कहा था जब भी दो फैक्टर हों और लेस देन जीरो दिया हो तो सॉल्व कैसे करना है ठीक। देखो एक्स प्लस टू को अगर जीरो करोगे क्या मिलेगा, माइनस टू, एक्स माइनस टू को जीरो करोगे तो टू मिलेगा ऐसे, तो लोएस्ट फैक्टर को यहाँ रखो ग्रेटेस्ट फैक्टर को यहाँ रखो ठीक। जब भी लेस देन जीरो दिया हो, दो फैक्टर दिया हो
तो दोनों का फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर माइनस टू, इसका फैक्टर टू, तो लोएस्ट फैक्टर को इधर रखो और ग्रेटेस्ट फैक्टर को इधर, और बीच में वेरिएबल ले लो, और देखो ये हो गया ग्रेटर देन और ये हो गया लेस देन, ऐसा ठीक। सो देखो ये आंसर हो जाएगा, और इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे दिस इज द डोमेन, ये क्या है डोमेन, और इंटरवल के फॉर्म में अगर डोमेन लिखोगे सो एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल माइनस टू टू टू, देखो ऐसा, ओके बच्चों। तो ऐसे भी आप डोमेन शो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ये। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, द डोमेन देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक। अच्छा इसका डोमेन लिखो, देखो क्या मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक। देखो ये फंक्शन y ये डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, सो दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, देखो ये ठीक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, राइट ना। तो जब भी स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिखा है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये तो कर लोगे, ओके ऐसा। अब इसको सॉल्व करना कैसे बताया था, देखो मैंने कहा था जब भी दो फैक्टर दिए हैं ठीक और ग्रेटर देन जीरो गिवेन हो तो कैसे करोगे, इसका फैक्टर लो, इसका फैक्टर क्या मिल रहा है वन, इसका फैक्टर टू, ठीक। तो देखो जो लोएस्ट फैक्टर है उस पर ठीक है, जो स्मॉलर फैक्टर है उसमें स्मॉलर साइन, जो ग्रेटर फैक्टर है उसमें ग्रेटर साइन। अब ये स्मॉलर फैक्टर है तो इसमें क्या होगा एक्स इज स्मॉलर देन वन, और ये ग्रेटर फैक्टर है एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर, ठीक। अब इक्वल टू लगाया तो इक्वल टू लगा दो यहाँ पे, और बीच में क्या हो जाएगा और, ठीक। जब भी दो फैक्टर की बात हो और ग्रेटर देन जीरो दिया हो तो यहाँ से लोअर फैक्टर स्मॉलर फैक्टर लो फिर ग्रेटर फैक्टर, इसमें स्मॉलर साइन इसमें ग्रेटर साइन, तो एक्स इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू वन क्योंकि इक्वल टू लगा है, तो एक्स इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू वन और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, ओके बच्चा। तो ये आपका डोमेन हो गया। अच्छा इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, डोमेन एक्स बिलोंग, अब देखो वन से स्मॉलर, वन से स्मॉलर तो कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, वन से स्टार्ट हो रहा है देखो ऐसे लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू वन क्लोज, ठीक है इक्वल टू लगाया तो क्लोज, और का मतलब क्या होगा यूनियन, ठीक। अब टू से इन्फिनिटी राइट, सो टू टू पर क्लोज इंटरवल और स्पे इन्फिनिटी ऐसा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, वेरी सिंपल है ये, आपने पढ़ा हुआ है इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा था कि डोमेन रेंज सॉल्व करने से पहले आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन फाइंड द डोमेन, तो इस वीडियो का ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फाइंड द डोमेन। अब फाइंड द डोमेन y इज इक्वल टू, आपको देखो ये गिवन है अंडर रूट, चलो मान लो अंडर रूट आपको गिवन है 4 माइनस एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो ऐसा ठीक। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, देखो एक फंक्शन ये दिया है फिर प्लस एक फंक्शन ये दिया है, ठीक है। तो आपको याद है एफ एक्स प्लस जी एक्स इन दोनों का कंबाइंड डोमेन हम कैसे निकालते थे, हमने रूल लिया था ना इन दोनों का
कंबाइंड डोमेन कैसे निकालते थे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का डोमेन निकाल लो, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, ऐसा ठीक। तो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन फाइंड आउट कर लो, फिर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन मतलब ठीक है कॉमन, ठीक। तो ऐसे करना है, चलो तो पहले हम इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो अंडर रूट फोर माइनस सिक्स, ये डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर फोर माइनस सिक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। सो फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसे क्या लिखो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स है, तो इनइक्वालिटी में जब भी माइनस एक्स होता है तो उसे प्लस एक्स बनाते हैं। प्लस एक्स कैसे बनेगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। चलो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस एक्स हो गया और ये माइनस फोर, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स माइनस फोर लेस देन आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन एक्स लेस देन आर इक्वल टू फोर, ठीक। तो बच्चों इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन ये मिल गया आपको, राइट। अच्छा इसका देखो, अब ये क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो मैंने कहा था अंडर रूट में जब भी आता है तो क्या लेते हो, पॉजिटिव, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ओके। अब इसका फैक्टर करो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब ग्रेटर देन जीरो इस केस में बताया था दो फैक्टर, कैसे लिखोगे, स्मॉलर फैक्टर, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर क्या होगा, माइनस वन इसका फैक्टर वन, ठीक। तो स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर, एक्स इज स्मॉलर देन वन, और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन वन, और बीच में और देखो ऐसा, ठीक। तो इस सेकेंड फंक्शन का डोमेन ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों का कॉमन सोल्यूशन, ओके। तो बच्चे दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखो कैसे लेंगे, ध्यान देना, ठीक। हम क्या करते हैं, देखो रियल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरह हमने रियल लाइन ड्रॉ कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब इनके वैल्यूज लो, देखो इसमें क्या है, माइनस वन, चलो तो माइनस वन, फिर यहाँ पर वन, फिर फोर, ध्यान देना, रैंडमली ऐसे मत ले लेना कि कहीं भी फोर ले लिया कहीं पर भी वन ले लिया, नहीं, एक ऑर्डर में जैसा रियल नंबर में होता है, सबसे छोटा नंबर माइनस वन, फिर उससे ग्रेटर वन, फिर उससे ग्रेटर फोर, ठीक। अब चलो, अब देखो अगर हम इसे ड्रॉ करें इसको, ठीक, तो ये क्या है, फोर टू माइनस इन्फिनिटी, तो फोर से स्टार्ट करो, देखो फोर से स्टार्ट करो ऐसे, देखो माइनस इन्फिनिटी, फोर से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, फोर से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, और फोर को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर ब्लैक डॉट कर लो, इस तरह ब्लैक डॉट, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डोमेन ड्रॉ कर दिया, जब सेकेंड का ड्रॉ करोगे तो इससे थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना, ठीक है, इसी पर मत ड्रॉ करना, इससे थोड़ा ऊपर। तो देखो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं माइनस वन, चलो तो यहाँ पर लेते हैं माइनस वन, ठीक, इस लाइन से ऊपर ड्रॉ करना है, तो माइनस वन, देखो माइनस वन, अब यहाँ पर हम ठीक है एक ऐसे डॉट बना लेते हैं, ठीक, ओपन टाइप का, देखो ये तो ब्लैक डॉट था, ठीक, इसमें हम ऐसा बना लेते हैं क्योंकि माइनस वन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो अगर वैल्यू हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे फोर को इंक्लूड कर रहे हैं ब्लैक डॉट, और इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वाइट डॉट, देखो ऐसा ये, ठीक। अगेन देखो वन, तो वन से ग्रेटर, तो वन से ग्रेटर, देखो इसी में, देखो यहाँ पर ध्यान दें, इसी लाइन में सामने वन, ऐसा देखो, ओके, इसी के सामने वन, तो वन, देखो वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ऐसे वन से ग्रेटर, तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। इसको हमने लिया फोर, फोर से माइनस इन्फिनिटी, फोर से माइनस इन्फिनिटी, इसको हमने ले लिया वन, वन से माइनस इन्फिनिटी, इसको हमने ले लिया वन से ग्रेटर प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो दोनों लाइन ओवरलैप कहाँ कर रही है, एक तो देखो ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है यहाँ पर, ठीक, देखो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक। तो ये हमारा कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पर देखो दोनों मिल रहे हैं,
ठीक। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डोमेन। अब ध्यान से देना, फाइनल सोल्यूशन डोमेन एक्स माइनस इन्फिनिटी टू वन, देखो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, फर्स्ट भी सेकेंड भी, तो माइनस इन्फिनिटी टू वन, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक। और यहाँ पे देखो हमने कौन सा लिया था, वाइट डॉट, वाइट डॉट का मतलब वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। फिर वन टू फोर, तो यूनियन, एक सोल्यूशन ये मिल गया और फिर दूसरा सोल्यूशन ये, यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वन, तो वन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वाई डॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन, और फिर फोर, फोर पर ब्लैक डॉट है, यानी हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, तो फोर पर क्लोज, देखो ऐसा, ओके बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू फोर, देखो ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके बच्चों। चलो तो आज हमने यहाँ पर डोमेन रेंज पढ़ लिया और इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज का बच्चों लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज पढ़ेंगे, डोमेन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर रेंज करेंगे, ठीक है, ओके। तो एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।